थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी आज आपके लिए उल्लासनगर शहर वासियों के लिए एक बड़ी सावधान होने की खबर लाया हूं। जरा इस न्यूज को जरूर गौर से देखिए। आज हम आपको बता रहे हैं कि उल्लासनगर 5 में चाइल्ड केयर हेल्प विजिलेशन कमीशन के अधिकारियों ने उल्लासनगर के 5 के दुकानों में और कारखानों में अपने ओर से उन्होंने धार मारना शुरू कर दिया, यानी कि अपने तरफ से उन्होंने कई दुकानों में रेट मारी। मतलब अगर हम कहें जो दुकानों और कारखानों में जो चाइल्ड लेबर काम करते हैं, ये कमेटी, ये एक्ट जिसे कहते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016, यानी कि अगर हमें उन्हें हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उनका मतलब ये होता है कि बाल श्रम निषेध नियमित संशोधन विनय 2016। मतलब के ये जो कानून है ये 2016 में 30 जुलाई के दिन लोकसभा में पास किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि जो बाल अवस्था में जो लोग बच्चे कहां पर काम करते हैं, कानून रूप से वो गुनाह है। तो उसके आधार पर आज चाइल्ड केयर विजिलेशन कमीशन के द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा उल्लासनगर 5 में काफी दुकानों में वहां पर रेट मारी गई, वहां पर धार मारी गई, वहां पर जो बच्चे जो किशोर अवस्था में, यानी कि जो 14 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो जो वहां पर काम करते थे, उन बच्चों को वहां पर लेके जाकर पुलिस चौकी में बिठाया गया और उनको माता पिता को वहां पर बुलाया गया, उनके ऊपर गुनाह दर्ज करवा गया। जो उनको अपने पास काम पे रखते थे उन लोगों के ऊपर भी गुनाह दर्ज करवा गया। ये जो गुनाह है उसका आधार यही है, बाल श्रम निषेध नियमित संशोधन जो एक है उसके आधार पर आप 14 साल के कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। यानी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस कानून को पालना करने के लिए एक कमेटी गठन होती है, जो विजिलेंस कमेटी हर जगह छापा मारती है और जहां पर छोटे बच्चे काम करते हुए मिलते हैं उनके ऊपर भी गुनाह दर्ज करती है और जो मालिक होता है उनके ऊपर भी गुनाह दर्ज होता है। आपको हम बता रहे हैं कि ये जो बाल श्रम निषेध नियमित संशोधन एक्ट 2016 है उसके आधार पर कोई बच्चा अपने बाप के अगर दुकान पर बैठा है तो उसके ऊपर ये गुनाह दर्ज नहीं होता। कोई भी विजिलेशन अधिकारी अगर आपको धमकाता है, डराता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। वह अपने पिता के दुकान पर बैठ सकता है मगर वह अपनी स्टडी, यानी कि अपनी उसकी पढ़ाई चालू होनी चाहिए, वह अपनी पढ़ाई बंद करके अपने पिता के दुकान पर नहीं बैठ सकता। तो ये एक बड़ी जानकारी है जो शहरवासियों को मैं देना चाहता हूं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि उल्लासनगर शहर में अब विजिलेशन कमेटी हर जगह छापा मार रही है, जहां पर जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उनके दुकान के मालिक के ऊपर और जो बच्चा काम करता है उनके परिवार वाले को पुलिस चौकी में बुलाया जा रहा है। तो आपको हम सावधान करना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा कहीं पर काम करता है, उसकी उम्र अगर 14-15 साल से कम है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चे को वहां से काम पर निकालिए और जल्दी ही अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाए। हमारे उल्लासनगर शहर में काफी परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा होना मुश्किल है, इसके लिए काफी बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं वो काम पर लग जाते हैं। ये बात उनके परिवार तक तो ठीक है मगर भारतीय दंड के आधार पर, यानी के एक कानून के आधार पर कहेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। सरकार इसको मानती नहीं है। पहले आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सरकार ने काफी योजना दी हुई है बच्चों को, मुफ्त पढ़ाई के लिए भी उन्होंने योजना और स्कूल दिए हुए हैं, मगर जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते वह यही सोचते कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई करके क्या करेगी। मगर भारत दंड के आधार पर यह गुनाह है, उसके हिसाब से ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016 है उसके आधार पर चाइल्ड केयर हेल्प विजिलेशन कमीशन के अधिकारी कभी भी आपके दुकान पर छापा मार सकते हैं। आप अगर होटल चलाते हैं, आप अगर कारखाना चलाते हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आप अपने पास छोटे बच्चे को काम पर रखा हुआ है, तो वो टोटल गलत है। आप सावधान हो जाइए। विजिलेशन कमीशन के लोग उल्लासनगर शहर में आ चुके हैं, काफी जगहों पर उन्होंने छापा मारा है। आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस तरह ये कमीशन के लोग दुकानों में घुस रहे हैं जहां पर प्रेस पैकिंग का काम हो रहा है, कहीं पर जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिसके दुकान पर काम कर रहे हैं,
या किसी होटलों में काम कर रहे हैं, किस तरह विजिलेंस कमीशन के लोग वहां पर छापा मारने पहुंच चुके हैं, वह कमीशन के लोग किसकी नहीं सुनते, उन्हें अपना केवल काम करना होता है और उनका अर्थ यही होता है कि सरकार द्वारा जो मान्यता चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उस एक्ट के आधार पर वो नियमित कार्रवाई करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप देखिए किस तरह बच्चों को आज विजिलेंस कमीशन के लोग वहां पर छापा मार के उनको पुलिस चौकी लाते हैं। तो आप सावधान हो जाइए, विजिलेंस कमीशन के उल्लासनगर पूरे शहर में हर होटल में हर दुकान में कभी भी आ सकते हैं। तो आप थाने सरकार की न्यूज को जरूरी देखें और ये न्यूज और लोगों को भी फॉरवर्ड करें, जिसकी होटल दुकानें कारखाने जो चलते हैं, जो अपने पास छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं, जो कानून के हिसाब से गलत है, और जल्द ही ऐसे बच्चों को उनके परिवार वालों को यही कहे कि उन बच्चों को जल्द से जल्द अपने कहीं नजदीकी स्कूल में उन्हें पढ़ाने के लिए भेजे। तो ये आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं, इस न्यूज को जरूर ध्यान से देखें और किस तरह आज विजिलेंस कमीशन के लोगों ने जगह जगह कार्रवाई की, उस कार्रवाई का आप हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी, उल्लासनगर।